जम ये जाती वुमेन है। के लिए कैसी थे, जब दिल पे थे दो साफ करके लगाओ, कोई छूट नहीं होती, जी मैं खुवातीन के लिए आसानी होती, निकाल के दो ये साफ करके काफी लगाती अच्छी हैं। आपने नॉलेज दी सिक्स डे तक अगर आपके पास लाइट नहीं है तो जी। इसमें कूलिंग रहती है, सब्जी वगैरह आपकी जो मतलब आम फ्रिजों में 6 दिन 7 दिन में खराब हो जाती है, इसमें 24 दिनों में भी सब्जी खराब नहीं होती। तो बहुत खूब भाई, बहुत ये अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है ये आपने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? सलीम नाम है सर सर मेरा सलीम भाई। आप, मेरा नाम फैजान है। आप जी, अपनी शॉप का नाम बता दीजिएगा। आसिम एंड कंपनी। ओके, तो आप मुझे बताइए कि आप फ्रिज की वैरायटी में कौन कौन से फ्रिज मुझे दिखाने वाले हैं आप? एल में है, वेस्ट में है, डॉलर्स में है, हायर में है, जी ये सारी वैरायटी है हमारे पास। ओके, तो आप दिखाइएगा सबसे पहले कौन सी, किस फ्रिज के बारे में आप मुझे बताएंगे? ये एल वालों का है, ठीक जी है, ये राउंड शेप में कहलाता है, ये ओके टेम्पर ग्लास है, ये जी ठीक अनब्रेकेबल ग्लास है, ना इसके जाते ना ये है चटकते हैं, इसमें ओके कुछ भी बच्चा मार दे, कुछ चोट मार दे तो टूटते नहीं है। ओके। बाकी अंदर ये जो है शेल्फ ये है इसकी, ये भी अनब्रेकेबल है, सही है। ग्लास शेल्फ है, और कम से कम बिजली बिजा 100% कॉपर में होते हैं, जी और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कहलाती है, इसमें स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है, आप कम से कम बिजली पे चलते हैं, जी ओके, कम से कम बिजली पर चलते हैं। 130-135 पे ही चलते हैं। जबरदस्त, बहुत खूब भाई, बहुत अच्छा लग रहा है यार ये तो। बाकी इस फ्रिज के बारे में भी ये वेस्ट बताइएगा। का है, ये कंपनी भी बहुत पुरानी है, ये सही भी है टेम्पर ग्लास कहलाता है, ओके हाई जी। डेफिनेशन ग्लास है, और वेस्ट कंपनी हमारी 50% पुरानी कंपनी है, और ये 3 वे कूलिंग है, 1, 2, 3 ओपन चैम्बर कहलाता है, जिसको एडजस्ट करना पड़ता है बैनर वगैरह भागों के जल्दबाजी के मार्ग से चैम्बर नहीं कर देता है, ओके, इसको लाइनों को बचाना है आपको, इसकी वारंटी वगैरह कुछ होती इसके है? 10 साल कंप्रेसर गारंटी, 1 साल पार्ट से, इनकी पैर वालों को भी 10 साल कंप्रेसर है, 1 साल पार्ट से। सही है। बाकी और फ्रिज, मिनी फ्रिज भी होते हैं आपके मेरी फ्रिज पास ये लगे हुए सामने, जी? ये मिनी फ्रिज जैसा कि आप ये देख पैल के सकते हैं लगे ये हुए, ये वेस्ट के लगे हुए, डोलप के लगे हुए, जी। मिनी फ्रिज में कुछ बताइएगा, डोनल्स वाले के ये बारे में डोलर कुछ के है, बताइएगा ये 5 वे कूलिंग है, इनकी 1200 कंप्रेसर गारंटी, 1 साल पार्ट गारंटी है, और जी। कम से कम बिजली पे चलता है ये आपके, और सबसे बड़ी बात ये है कि वन पीस चैम्बर है, कहीं जोड़ नहीं है इसके अंदर। हाँ, ओके, बाकी ये जो इधर बर्फ वगैरह जम ये जाती वुमेन है के लिए कैसी थे, जब दिल पे रहे दो साफ करके लगाओ, कोई स्क्रू नहीं होती, जी, मैं खुवातीन के लिए आसानी होती, निकाल के दो ये साफ करके काफी लगाती अच्छी हैं। आपने नॉलेज दी है, काफी अच्छा बताया आपने ये। इसमें एक बड़ा साइज ये लगा हुआ बड़ा डोलर साइज का, कौन सा आप दिखाने वाले हैं? इससे बड़े साइज के नीचे लगे हुए, ये भी बड़े साइज का लगेगा, एवन जी का ग्लास डोर में, डोलर वालों का है, ओके पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है, और 6 डे तक अगर आपके पास लाइट नहीं है तो जी इसमें कूलिंग रहती है, सब्जी वगैरह आपकी जो आम फ्रिजों में 6 दिन 7 दिन में खराब हो जाती है, इसमें 24 दिनों में भी सब्जी खराब नहीं होती। तो बहुत खूब भाई, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आपने ये इसके अंदर लाइट लगी होती है, ठीक जी। है, लाइट ये आपको पर्पल लाइट होती है, फिर सब्जी वगैरह किसी लाल बैग वगैरह चौकस वगैरह कुछ चीज नहीं आता इसके अंदर, ठीक सही है, है, ये सुबह व्हाइट होती है, दोपहर में गोल्डन हो जाएगी, शाम में पर्पल हो जाएगी। सही है ओके। काफी अच्छी अच्छी आपके पास फ्रिज है, आपके पास मिनी फ्रिज भी हैं, बड़े वाले लॉन्ग फ्रिज भी हैं आपके पास, और नीचे लगे हुए सारे बड़े साइज। नीचे साइज नीचे भी लगे हैं हाँ आपके जी, पास। बाकी इसके बारे में भी कुछ बता दिएगा ये वाले के? ये मोनोग्राम बहुत पुराना मॉडल है, जी ये मोनोग्राम के नाम से आए थे, अभी सही है डिस्कनेक्ट हो गए, ये पुराने मॉडल है, और ये जब खत्म हो जाएंगे तो फिर आएंगे नहीं, बहुत ओके पुराने मॉडल है, हरजी वाले ये पुराने, इनको अंदर से इन्होंने नए सिस्टम नहीं दी है इन्होंने, इनको जी। अंदर से मोनोग्राम, काफी खूबसूरत लग रहा है, हाँ खूबसूरती बहुत अच्छी है इसकी चैम्बर वगैरह इन्होंने नए चैम्बर लगाए हुए, जी। मॉडल ये पुराना है, LBS कहलाता है ये मोनोग्राम, पहले यही आते थे दोनों, सही, अच्छा इसके साथ जो स्टर प्लाजर लगते हैं वो इनके अब साथ जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है स्टर नहीं प्लाजर की? जरूरत नहीं, कम बिजली ज्यादा कंप्रेसर इनके चेंज हो गए, ये तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कंप्रेसर आ गए। ये तो काफी अच्छी बात बताई है। हाँ, आजकल जितने लोगों ने जो फ्रिज वगैरह लिए थे वो आजकल अभी भी वो तो बड़े कंप्रेसर थे, बड़े स्टेबलाइजर लगते थे, जी अब वो सिस्टम खत्म हो गया, कम से कम बिजली पे चलता है, 130 पे तो ये चलता है, ये लिखा हुआ है 135 पे, और न्यू मॉडल 130 पे ये चलता है, जैसा कि आप देखते हैं वन थर्टी थर्टी फाइव पे फाइव वोल्टेज पर है, वोल्टेज पर चलेगा ये, और हाँ ये वाला भी, ये 100 पे चलेगा, ये 100 वाले पे ये न्यू चलेगा। टेक्नोलॉजी में सही है ओके मुख्तलिफ प्राइस है, आप जैसे ये है, ये 1,15,000 रुपये का है, जी ये 1,03,000 रुपये का है, सही है ये ओके 98 का है, ओके ये 98 का है, जी बिल्कुल इसमें ये है 93 का है,
ठीक है, ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, ठीक सही है। है। अब इसमें जैसे ये है, ये 68 का है, ओके, ये ये 65 का है, 65 का है ये। हाँ, ये छोटे भी ग्लास हो, जैसे कहनी ये है कि जी इसे ग्लूक के पैसे भर जाते हैं, ये 68 का है, सिर्फ ग्लास के जी पैसे भर देंगे, ठीक बाकी बदबू वगैरह का कुछ है। बताइएगा, और फ्रिज में बदबू वगैरह सीएफसी जो आ फ्री है, जाती इसके है। अंदर कोई स्मेल बदबू नहीं आती, इसमें सही है, गैस बहुत अच्छी जली हुई है, इसमें ओके जी। गोश्त वगैरह अगर 2 महीने 3 महीने भी गोश्त रखा रहा है तो उसमें महक नहीं बैठती, ये इसके बारे में आप बता रहे हैं ये सारे सब सब ड्रोन के सारे सब, चीज। जैसा कि आप देख गैस सकते हैं चेंजिंग कि हो गई है ना, पहले वाली गैस थी 834 गैस थी, ओके अब 600 गैस आ रही है, सही है। बाकी बदबू वगैरह जो होती है किसी वो किस्म की नहीं है, ना स्माइल ना बदबू, कोई चीज नहीं है, किसी सही चीज की है। नहीं आती। बाकी शॉप की टाइमिंग वगैरह कुछ बता बस दीजिएगा, 9 बजेंगे दुकान बंद हो जाती है, क्या और खुलती कब है कर, ये, तो 11 11 सवा क्लोजिंग 11 बजे क्लोजिंग के बारे में भी कुछ बता दीजिएगा। तो सब हो गई है, जुमा जुम्मा, थर्सडे जुम्मे वाले दिन ये बंद होती बंद है। होती, क्लोज होती तो सर ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, है। बहुत अच्छा लगा आपने विजिट करा अपनी शॉप का। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।